कन्हान की वेकोली अधीनस्थ कार्य करने वाली निजी कंपनी में जबरन घुसने और गार्ड के साथ हाथापाई करने का आरोप महिलाओं पर लगाया गया था, पर जब मामले की जानकारी खोजी गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल यह महिलाएं आरोपी नहीं, खुद पीड़ित हैं। जानकारी के अनुसार इंद्रावती कुर्मी और उनकी बेटी दीपिका कुर्मी पर एट्रोसिटी एक्ट सहित अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें इन पर गार्ड के साथ हाथापाई करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इन दोनों महिलाओं ने वास्तविकता में क्या हुआ इस पर जानकारी बीसीएन न्यूज के जरिए साझा की है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी की कोयला खदानों में स्थानिक एवं अन्य गांव के मजदूर कार्यरत हैं। बहुत से मजदूर अपने निवास स्थान से काफी लंबे अंतर से आकर इन खदानों में काम करते हैं। उनके नाश्ते एवं भोजन हेतु कंपनी परिसर में कैंटीन कार्यरत है, जो कि ईगल कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। इस कैंटीन को स्थानिक महिला बचत समूह को उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें रोजगार की संधि प्राप्त हो। महिला सक्षमीकरण एवं स्वरोजगार कर भोजन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विजय लक्ष्मी स्वसहायता महिला बचत गट की महिलाएं आवेदन पत्र लेकर शनिवार की दोपहर करीबन 1:30 बजे वेकोली की 6 नंबर खदान अंतर्गत कार्यरत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के कार्यालय परिसर में पहुंचे थे, जहां कुछ ड्राइवरों को गार्ड के रूप में खड़ा कर दिया गया था, जिन्होंने इन महिलाओं को अंदर प्रवेश नहीं दिया और इनके साथ बदसलूकी की। वहीं गार्ड के भेष में इन ड्राइवरों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई भी की। इस पूरे मामले पर वह जानकारी दी है पीड़ित इंद्रावती कुर्मी और दीपिका कुर्मी ने। मेरा नाम दीपिका कुर्मी है। हम सारी महिलाएं विजय लक्ष्मी महिला बचत गट की महिलाएं आमदार साहब के पास रोजगार मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने हमें अपना लेटर दिया और वो लेटर लेके हम ये जीएम ऑफिस गए थे। जीएम ऑफिस से वहाँ के सर का हमने यहाँ पे उन्होंने हमें अपना लेटर दिया, रिमार्क करके दिया। फिर हम ये रिमार्क वाला लेटर लेके सबेरिया के पास गए। सबेरिया में वो लेटर हमने जमा किया। वहाँ जमा करने के बाद में हमारे उस चीज़ में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हमें ईगल कंपनी में मेस का काम चाहिए था महिलाओं को, पर उस चीज़ पे कोई भी सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद हमने वहाँ पे हम सारी महिलाएं ईगल कंपनी में गए। वहाँ पे वो लेटर, आमदार सब का लेटर और ये लेटर हम वहाँ पे जमा करने के लिए जब गए तो वहाँ हमको रोका गया, और जिन्होंने हमको रोके वो गार्ड नहीं थे, वो ड्राइवर्स थे, और हमारे जाते ही उन्होंने धक्का मुक्की मारपीट महिलाओं पे करने लग गए। और वो जो गार्ड जिनको बना के वहाँ पे ड्राइवरों को रखा गया था, वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई कंपाउंड नहीं है, कुछ नहीं है, और उनको वहाँ पे पहले से ही पता चल गया था कि ये महिलाएं आने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने वो ड्राइवर्स को वहाँ पे गार्ड के लिए रखा और हमसे मारपीट करने लग गए और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। और उन गार्ड जिनको गार्ड के लिए रखा गया, वो उनके ऊपर पहले ही गुनाह दाखिल है ऑलरेडी, और हमको रोकने लग गए और बोलने लग गए कि हम ही वहाँ के मालिक हैं, आपको अंदर नहीं जाने देंगे, यहाँ पे महिलाएं अलाउड नहीं है। और रोजगार मांगने पे यहाँ पे उन्होंने बोला कि महिलाएं अलाउड नहीं है, और झारखंड से लोगों को बुला के वहाँ पे उन्होंने लगाया है, पर महिलाओं को निकाल दिया गया। हाँ तो सर, वो पहले महिलाओं को गाली दिए, मुझे दिए, मेरी बेटी को मारना पीटने लगे, तो मैं उनके ऊपर दौड़ी मारने के लिए, और गाली नहीं दी मैंने, बस मारने दौड़ी, और उसने मेरे को ऊपर आरोप लगाया उल्टा सीधा। और उन्होंने बोले कि काम, आपको काम मांगने आए हो तो रोड पे बैठिए, धंधा कीजिए। अभी ये है कि हमारी सुनवाई होना चाहिए, हमने भी रिपोर्ट डाले पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, पर उनकी सुनवाई की गई पुलिस वालों के थ्रू, पर हमारी सुनवाई नहीं की गई है। और उनकी रिपोर्ट ले ली गई और हमारे खिलाफ इतना सारा करा, पेपर्स में डाल दिया, न्यूज़ में डाल दिया, पर उनके ऊपर कोई भी केसेस नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हमारा भी केस उन पे लगना चाहिए और हमें भी न्याय मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया गया है और उन पर मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर पीड़ित महिलाओं ने यह निवेदन दिया है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों पर भी मामला दर्ज कर उन्हें इंसाफ दिया जाए। कन्हान से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पानसी के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।